JEE Main 2019 में aromatic compounds से related एक question है, which of the following compounds will produce a precipitate with AgNO3? सारे bromo compounds हैं, आप देखें pyridine के question number 3 पे bromo लगाया, ये bromobenzene है directly, ये है bromocyclohexane और ये है cycloheptatrienyl bromide, ठीक है ना? Actually क्या होता है, अगर किसी भी कार्बन पर, जैसे मान लीजिए R है और इस पर ब्रोमो लगाया और AgNO3 से रिएक्शन करवाई गई, तो AgNO3 से हमें मिलता है Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है ना? Ag प्लस इज वेरी फॉन्ड ऑफ हैलाइड आयन, तो ये यहाँ से हैलाइड आयन को निकाल लेता है और बदले में R पर बन जाता है प्लस चार्ज, ठीक है ना? और साथ में ये AgBr का एक येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, राइट? अब कौन से कंपाउंड बी आर माइनस दे सकेंगे? केवल वो कंपाउंड बी आर माइनस दे सकेंगे जो बी आर माइनस देने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। कितना स्टेबल है? टर्शरी के जैसा स्टेबल हो, या फिर एरोमेटिक वाला स्टेबल हो, या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जैसा स्टेबल हो, दिस कार्बोकेटायन मस्ट बी स्टेबल। इसमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम ऑप्शन ए को ले लें, तो ऑप्शन ए में 3-bromopyridine लिया है हमने। अब जरा इसको देखें आप, ब्रोमो के पास 3 लोन पेयर है, तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो कार्बन और ब्रोमो बॉन्ड है ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से स्ट्रांग है, तो रिमूवल ऑफ बी आर माइनस इज डिफिकल्ट। दैट मीन्स दिस कार्बोकेटायन, ये बी आर माइनस आसानी से रिमूव नहीं होगा, और ज़्यादा एनर्जी देने पर रिमूव होगा, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको एनर्जी ज़्यादा मिल गई प्रिपरेशन के समय ही, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बोकेटायन हो जाएगा अनस्टेबल या लेस स्टेबल। दूसरा ऑप्शन है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन में भी सेम केस देख लो, ब्रोमोबेंजीन में भी PDCH है, ठीक है ना? Because of partial double bond character, now this carbon bromo bond has become stronger. So removal of Br minus is difficult. And if you remove this Br minus by supplying more amount of energy, then the carbocation form will be unstable. इसका मतलब यहाँ पर भी आपको AgBr नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको AgBr का precipitate नहीं मिलेगा। C option देख लें, C option में इन्होंने साइक्लोहेक्सेन पर ब्रोमो लगवाया है, राइट? अब इसमें जब साइक्लोहेक्सेन बनेगा तो ये एक साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है ना? अगर AgNO3 आपने डाला है तो ये एक साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन बनेगा और AgNO3 का प्रेसिपिटेट AgBr का प्रेसिपिटेट मिल सकता है। लेकिन जरा ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी में इन्होंने एक बड़ा बेहतरीन कंपाउंड लिया है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल ब्रोमाइड। अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाएं तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिसिटी पा जाएगा। देखें आप, ये ट्रोपाइलियम आयन है, ये NO3 के साथ मिलकर ये एक एरोमेटिक सॉल्ट बनवाएगा, इट इज एन एरोमेटिक सॉल्ट। और इस कंपाउंड में, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल ब्रोमाइड में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो है एरोमेटिक ट्रोपाइलियम आयन, जो नाइट्रेट के साथ मिलकर एक एरोमेटिक सॉल्ट बनाता है। इतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसी में नहीं बनेगा, इन दोनों में तो बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि ये PDCH से अफेक्टेड है। इसमें एक कार्बोकेटायन बन रहा है जो बन सकता है, लेकिन दिस कार्बोकेटायन फॉर्मेशन विल बी वेरी रैपिड, बिकॉज आफ्टर फायरिंग बी आर माइनस द कार्बोकेटायन इज गेटिंग एरोमेटिक स्टेटस, दैट इज़ वेरी हाईली स्टेबल। एंड दिस इज द रीज़न, आउट ऑफ ऑल दीज फोर ऑप्शंस, दिस ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? इसको नोट करें।